तो गाइस जैसा कि आप सबको पीछे का सब कुछ बहुत कुछ चेंज लग रहा होगा और वैसे भी हमें भी लग रहा है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ट्रेन से तो उतर के बट तब भी ऐसे 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 कंटिन्यू हिल रहे हैं क्योंकि उतनी आदत नहीं है नहीं समय तक ट्रैवल करने की। और आज जम्मू में है हमारा फर्स्ट डे और आज है 26 जून और टाइमिंग क्या हो रही है रूप में देखते हैं गाइस आप सबको पता है 25 जून को हमने ट्रेन ट्रेन पकड़ा था और आप सबको पता है 25 जून को हमने ट्रेन पकड़ा था और 26 जून को आप सबको पता है कि हम 3 या 4 बजे अभी आए हैं और भैया ने पूरे होटल वगैरह लेके रखे थे। एक ये हमारा रूम है और एक ऊपर भी है एक और ऊपर है मतलब एसी है फैन है सब कुछ भाई बस मन कर रहा है नहीं पड़ जाऊँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम। और अभी आज ही शाम में हमें निकलना है चढ़ाई करने के लिए रुक जा तो हम अभी नहा के फ्रेश वगैरह हो गए अभी बाल अपना सुखवा रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे अभी खाना खाने के लिए सब लोग अभी सब लोग नहा रहे सब लोग नहा लेंगे फिर हम खाना खाने जाएंगे उसके बाद हमारा वो क्या पास बनेगा आई कार्ड वाला उसके बिना चढ़ाई नहीं कर सकते भैया बोल रहे हैं तो वो होगा उसके बाद हम चढ़ाई करने जाएंगे मेरे ख्याल से 9 या 10 बज जाएगा हमें यहाँ से निकलने अभी हमें खाना भी खाने चलना है तो गाइस आप सबको पता है मैं चलो पहले रूम टूर करवा देते हैं पहले होटल का टूर करा देते हैं अच्छा खासा लाना मैं दिखाऊंगी ये वाला रूम मैं दिखाऊंगी अच्छा ठीक है यार रूम तो दिखाएंगे ठीक है। तो ये देखो ये रहा हमारा रूम नंबर 501 और उसका जो दो रूम लिया गया वो स्टेयर्स पे चढ़ के हमें जाना है तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी ये वाला रूम दीदी से स्टार्ट करते हैं तो ये देखो दीदी वाला रूम हाँ आ रही हूँ तो तेरा ही घर है थोड़ा देखो चलो दीदी एक बार सो के दिखा दो भदाक धड़ाम गया चलो ठीक है तो उठा उठा हाँ और यहाँ सोफा वगैरह सॉरी सोफा नहीं टेबल टाइप वॉशरूम जिसमें की मम्मी नहा रही है मतलब और देखो ये रहा एक मिरर ये मिरर है जिसमें की पूरे पागल लग रहे हैं पता नहीं क्यों और एक ये मिरर ये मिरर रहा ये वाला और यहाँ पे क्या है भाई दीदी रुक जाओ रुको तो सबर करो थोड़ा रुको ओपन करो एक बार देखो क्या है हाँ ओपन करो 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 रहन दो छोड़ो रहन दो गाइस आप सबको पता है जो ऊपर वाला रूम है ना वो बहुत सुंदर है उसका टूर मैं कराऊंगी हाँ चलो अभी दीदी चलते हैं चलो तो अभी हम स्टेयर्स पे चलते हैं ऊपर वाला रूम दिखाने के लिए आप सबको यार ऐसा लग रहा है अपना ही घर हो गया सब कुछ अपना ही घर है यार इतने महंगे महंगे पैसे ला के लिए गए ये देखो ये लगाए और सब एसी वाला रूम है अभी दीदी देखो रुको 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 गाइस मैं आप सबको दिखाती हूँ देखो ये वाला रूम है सारे लड़कियों औरतों का और ये वाला रूम है सारे आदमियों लड़कों का कोई बात नहीं है खुल के दिखाती थे ठीक है तो गाइस देखिए दूसरा रूम है हमारा और ये वहाँ की टीवी है इसको तो दौड़ने से फुर्सत नहीं है और यहाँ पे सबका देखो सामान रखा हुआ है सब फैला हुआ है अभी भाई और ये रहा इस रूम का बेड जो कि ये पूरा बिगाड़ चुका है कूद कूद के और यहाँ पे ये मेरा देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है वो देखो वहाँ पे दीदी सन दिख रहा है और वो देखो वहाँ पे ऐसे पहाड़ भी दिख रहा है वहाँ हमें चढ़ाई करना है मस्त लग रहा है सब कुछ माता और खिड़की से बाहर का तो व्यू काफ़ी सुंदर है और हाँ रुक 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 और ये देखो गाइस नीचे यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है आते जाते लोग भी नज़र आ रहे हैं चलते खाने यानी सुन लेंगे चाटू तो ये देखो ये रहा इस रूम का मिरर जो कि देखो क्लियर उतना नहीं होगा विजिबल लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ गाइज अभी हम रेडी हो चुके हैं खाना खाने के लिए है ना अभी चल रहे खाना खाने उसके बाद खा कर आएंगे फिर थोड़ा आराम करेंगे उसके फिर खाना भी तो बाहर खाना होगा ना रेस्टोरेंट फिर चेंज करेंगे यही वाला यही सिंपल सा रेगुलर वियर पहन के चलती हूँ खाना खाने नई चीज की कोशिश है तो ये देखो गाइज यहाँ पे भैया लॉक लगा रहे हैं अभी हम खाना खाने चल रहे हैं ना भैया खाना खाने चल रहे हैं ना हाँ चलो चलो आइए तो गाइस अभी हम लोग आए ढाबा में और सब लोग आया तो डिसाइड दीदी क्या डिसाइड हुआ खाने के लिए एकदम सादा शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी अचार दाल चावल सब्जी रोटी अचार ढाबे में तो खाने का मन नहीं था हम दूसरा ढाबा घूम रहे थे लेकिन बट यार नया शहर है ना तो सब कुछ नया नया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम लोग उसी ढाबे में बैठ गए और देखो सब लोग बैठे मैं सबको एक बार दिखा रही हूँ
तो ये देखो गाइस, ये मेरी थाली है, यहाँ पे मेरा खाना रखा हुआ है। अभी मैं नैन्सी को दिखाती हूँ, सब खाना खा रही है। ये देखो नैन्सी खा रही है। अच्छा सब कुछ, ये तड़का वाला दाल है, ये सब्जी है, ये सूखी वाली सब्जी है, ये हीरा है, ये चावल है, ये रोटी है। ये यहाँ पे मौसा मौसी खा रहे हैं, पापा हैं, थोड़े बड़े पापा, दूसरे पापा वहाँ से, भैया लोग बैठ के खा रहे हैं। तो चलो गाइस, मैं भी जल्दी से अपना पेट पूजा कर लेती हूँ। सब खा रहे हैं। तो गाइस, जस्ट अभी हम बाहर से ढाबा से खाना खा के आ रहे हैं, और ये देखो, ये हमें कार्ड मिल गया वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो चलो अभी हमें दर्शन भी करने जाना है गाइस। कितने बजे जाना है ये तो पता नहीं, अभी तो 9:30 बजे है। अब भैया लोग जब डिसाइड करेंगे तब हम चलेंगे, हमें वैसे कार्ड मिल गया। चलो अभी फटाक से रेडी होते हैं। मैंने ये वाला आउटफिट पहना है, ये देखो, ये इसने पहना है वैष्णो देवी के लिए, ये वाला आउटफिट। और भैया इधर देखिए, भैया ये देखो, वाह क्या मस्त मस्त लुक लिया है सबने, सब हैंडसम एंड स्मार्ट लग रहे हैं। देखो सबने अच्छा, दीदी मेरा भी आउटफिट दिखा दो। तो गाइस ये देखो, ये रहा नैन्सी का आउटफिट, कैसा लग रहा है आपको मैंने जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने तो अपना आउटफिट पहना। तो ये देखो गाइस, सब यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए उतर रहे हैं, और सबका देखो न्यू लुक कितना प्यारा लग रहा है, वाह। और देखो सब चढ़ाई करने के लिए उतर रहे हैं। सोनू मैं नीचे आइए, ओह माय गॉड, जोर से बोलो जय माता दी। तो गाइस अभी हम हैं जम्मू के रोड पे, एंड अभी हम जा रहे हैं अपनी चढ़ाई करने, चढ़ाई करने, सब करने सारी फैमिली को। तो वैसे भी आपने देख ही दिया सब, क्या मस्त मस्त लुक में आ गए, कृपा से हम अच्छे से पहुंच जाएं। बस रुको गाइस, मैं आप सबको पहाड़ दिखाती हूं यहां का। मेरी मौसी, हां मौसी जा रही है चढ़ाई करने। तो ये देखो, ये रहे हमारे बड़े पापा, उनसे मीट कराते हैं हम। सब इस टाइम पढ़ा, अच्छा तो बड़े पापा चढ़ाई करने चल रहे हम लोग। हाँ बढ़िया, बड़े पापा यू नो पैदल चलेंगे, बड़े पापा हिम्मत रखे हैं। ये भी लाइक सीरियस के, अरे मैं तो वीडियो में आ रहा हूँ, है ना दीदी, एकदम वैसा ही कहते ना कि नहीं नहीं हमें मत लेना। और ऐसे तो बहुत लोग की डिमांड है कि नहीं नहीं हमें मत लेना, लेकिन बट नहीं, हम तो लेने चलेंगे भाई, हम सबको चढ़ाई करते हुए दिखाएंगे। तो अच्छा खासा गाइस आप सबको दिखाते हैं, तो क्या पहाड़ क्या मस्त है, किस लिए मतलब हम खुद तो एंजॉय करेंगे, साथ में आपको भी सारी चीजें दिखाएंगे ताकि आपको घर बैठे पता चले। एंड हाँ, अगर माता रानी का बुलावा है ना, तो भगवान करे आप सबको भी बुला दिया जाए जल्दी जल्दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अभी तो फिर बोलो, अभी तो छोटा मोटा नारा है, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, अभी तो छोटा मोटा नारा है, जय माता दी, जब ऊपर चढ़ेंगे तब बड़ा नारा होगा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अभी सही है। हाँ अब सही है। ये देखो गाइस, यहाँ कितनी चुनरिया बांधी गई, और ये देखो वहाँ पे हमें चढ़ना है, वहाँ हमें चढ़ना है, वाह यहाँ का सीन कितना प्यारा लग रहा है। देखो देखो गाइस, घर बैठे एंजॉय करो हमारी चढ़ाई को। तो ये देखो अभी यहाँ पे चुन्नी आ गई है, मैंने भी जय माता दी की चुन्नी बांधते हैं। आप देखो दीदी बांध रही है, सही है। हाँ क्या लिखा दीदी इस पे, सही है, प्रेम से बोलो जय माता दी, हाँ सही है। नैन्सी जल्दी बांध ले, सही लगा रही हूं, हाँ सही है, थोड़ा सा ऊपर करो, हल्का सा ऊपर करो, हल्का सा ऊपर, हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ चढ़ाई करने से पहले दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम दीदी ये पेड़ दिखा देना, हम यहाँ पे आके मन्नत भी मांग लेंगे। देखो जो हमने बांधा है ना, उसे हम यहाँ बांध के मन्नत मांग लेंगे। हाँ ये देखो गाइस, कितना प्यारा नजारा, ये तो वैष्णो देवी की स्टार्टिंग हुई है, वाह सच में यही से एंट्री है, कितना प्यारा लग रहा है ये। अभी देखो गाइस, अभी उतना चढ़ना है, बाप रे, तो अभी स्टार्टिंग है। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा चल के आ गए और हम थक गए,
स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हम सबका वेट कर रहे हैं, सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा नारा वारा लगा के एक साथ निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। इकट्ठा होला पहले आगे। तो ये देखो गाइज, ये ऊपर के पहाड़ से व्यू है नीचे का। नीचे देखो कितनी घनी बस्ती नजर आ रही है और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। हम आधी सीढ़ी चढ़ चुके हैं और अभी देखो मैं और दीदी दोनों बिछड़ चुके हैं। दीदी नीचे ही चली गई और मैं ऊपर आ गई भैया के साथ। और ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना ऊपर का। बारिश हो रही है। तो गाइस ये देखो बहुत तक के बारिश होने लगी अचानक से और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहा है और खूब बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे, बारिश हो रही है चढ़ाई के लिए। और अभी हम अर्ध कुमारी भी नहीं पहुंचे और यहाँ बारिश होने लगी। रुको ये देखो गाइस, इतनी तेज बारिश हो रही है कि यहाँ लाइट भी चली गई कटरा में। और ये देखो हम चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फंसे। उधर की बारिश दिखा कितनी तेज हो गई यार, बहुत तेज इतनी नहीं हम चमक रहे थे, पता नहीं क्या नाटक है यार। सो गाइस फाइनली अभी हम करते करते आ गए वैष्णो देवी और बहुत ज्यादा चलना पड़ा गाइस, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चलना पड़ा। और यार अभी दीदी काल भैरव भी दर्शन करने जाना है यार, सच की बॉडी में जान दी है पूरी सकल सूरत सब बोल बैठी है। हम 10:30 बजे के आसपास चढ़ाई स्टार्ट की थी, मैं अभी सुबह के 6 में आप सबको अभी हम माता जी के दर्शन अभी तक नहीं किए, अब बस पहुंचने वाले, बस बस अब कर यहां से दिखाते हैं व्यू सबको थोड़ा दिखाते क्योंकि फिर फोन तो जमा हो जाएगा ना, पता नहीं वो भी दिखाने को मिलेगा या नहीं। अरे यहां से दिखा देना उसके मुझे फोन जमा हो जाएगा। गाइज वो देखो यहाँ से मंदिर दिख रहा है, पता नहीं फ़ोन ले लिया जाएगा कि क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा यहीं से आपको दिखा दो। अब हमें बहुत थोड़ा सा नीचे जाना है, उसके बाद हम दर्शन कर लेंगे माता रानी के और फिर ऊपर भैरवनाथ के लिए भी जाना होता है कितना तो 2-3 किलोमीटर। तो अब हमारी उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम चलें, तो देखते हैं रोपवे भी जा रही है, अगर हमारा मन हुआ तो उससे जाएंगे, नहीं तो फिर पैदल देखते हैं क्या करते हैं, जैसा होगा आपको बताएंगे हम।